आगे बढ़ते हैं। राजस्थान के किशनगढ़ में एक बड़ा हादसा टल गया। टोल प्लाजा पर अचानक एक्सीलेटर दबाने की वजह से कई लोग कार की चपेट में आ गए। किशनगढ़ के टोल प्लाजा पर हुए इस हादसे का सीसीटीवी वीडियो भी सामने आया है। इस वीडियो में दिखाई दे रही एक सफेद रंग की कार टोल प्लाजा पर खड़ी हुई और उसके चारों ओर कई लोग खड़े हैं। अचानक कार तेजी से पीछे की ओर जाती है, जिससे पीछे खड़े लोग उसकी चपेट में आ जाते हैं। इससे पहले कि कार के आगे खड़े लोग कुछ समझ पाते, कार तेजी से आगे की ओर बढ़ती है और कई लोगों को अपनी चपेट में ले लेती है। अचानक हुई इस घटना से मौके पर मौजूद लोग सहम गए। कार की चपेट में आने वाले कई लोग जमीन पर भी गिर गए। पुलिस के मुताबिक घायलों का अस्पताल में इलाज चल रहा है। जर्जर इमारतों के बारे में आपने बहुत कुछ पढ़ा और सुना होगा, कई हादसे भी देखे होंगे। मुंबई में कुछ दिन पहले बारिश की वजह से एक इमारत ढह गई थी, जिसमें कई लोगों की जान चली गई थी। मुंबई से जर्जर इमारत की एक और तस्वीर सामने आई। मुंबई के चूना भट्टी इलाके की इस जर्जर इमारत में कुछ बच्चे स्कूल पहुंचने के लिए रोज अपनी जान जोखिम में डालते हैं। ये जर्जर हाल इमारत 60 से 70 साल पुरानी है। वीडियो में देखा जा सकता है कि कैसे बच्चे पीठ पर बैग टांगे टूटे हुए छज्जे से रस्सी पकड़ कर जा रहे हैं। ये तस्वीर तीसरी मंजिल की है। अगर किसी भी बच्चे के हाथ से रस्सी छूटी तो उसकी जान जा सकती है। इस बिल्डिंग का नाम है टाटा बिल्डिंग और इसमें 123 परिवार रहते हैं। इन लोगों का कहना है कि कानूनी प्रक्रिया में फंसे होने के कारण इस इमारत का कुछ नहीं हो पा रहा। बिल्डिंग का एरिया 2.3 एकड़ में फैला है। बिल्डिंग इतनी जर्जर स्थिति में है कि किसी भी वक्त ढह सकती है। कोर्ट केस और प्रशासन के बीच में फंसे यहाँ के लोग मुश्किलें झेलने को मजबूर हैं। ये स्वदेशी मिल की जमीन है, फिलहाल ये मिल बंद पड़ी है। बिल्डिंग को लेकर एक केस साल 2000 से कोर्ट में चल रहा है। यहाँ के लोगों का कहना है कि बीएमसी कंस्ट्रक्शन की इजाजत नहीं दे रही। महाराष्ट्र के कई इलाकों में बाढ़ से लोग परेशान हैं, तो दूसरी तरफ कुछ लोगों को के लिए ये बाढ़ का पानी मौज मस्ती और एडवेंचर का जरिया भी बन गया है। रोमांच के चक्कर में ऐसे लोग अपनी जान किस तरह से जोखिम में डाल रहे हैं, दिखाते हैं आपको। ये वीडियो महाराष्ट्र नासिक जिले की नांदूर मध्यमेश्वर झील का है। यहाँ बने पुल पर कुछ लोग जान पर खेलकर सेल्फी लेते रहे और वीडियो बनाते रहे। इस दौरान यहाँ से गुजरने वाले कुछ लोगों ने उन्हें रोकने की कोशिश भी की, लेकिन इन लोगों ने उनकी एक ना सुनी। ये लोग काफी देर तक इन लहरों के बीच पुल पर चहलकदमी करते रहे और फोटो खींचते रहे। लहरें इतनी ऊंची थी कि उनका पानी पुल तक आकर फैल रहा था। आप देख सकते हैं कि सेल्फी की सनक में ये लोग किस तरह अपनी जान खतरे में डाल रहे हैं। अगर जरा सी गलती हो जाती तो इनकी जान जा सकती थी। यूपी के शाहजहांपुर में दो दिनों से आतंक का पर्याय बने मगरमच्छ को पकड़ लिया गया है। गांव के लोगों ने खुद नहर में घुसकर इस मगरमच्छ को काबू में किया। लोगों ने इस मगरमच्छ के साथ सेल्फी ली, उसके बाद इसे नदी में छोड़ दिया गया। ये तस्वीरें शाहजहांपुर के एक गांव की है। यहां के निगोही थाना क्षेत्र में राघवपुर सिकंदरपुर गांव के पास तालाब में दो दिन पहले विशाल मगरमच्छ देखा गया था। देर रात मगरमच्छ सड़क के रास्ते गांव के पास से गुजर रही नहर में आ गया। सुबह मगरमच्छ को नहर में देखे जाने के बाद लगातार ग्रामीण उसे पकड़ने की कोशिश कर रहे थे। वन विभाग को भी सूचना दी गई, लेकिन वन विभाग का कोई भी कर्मचारी मौके पर नहीं पहुंचा। इसके बाद ग्रामीणों ने अपनी जिंदगी खतरे में डालकर मगरमच्छ को काबू में किया। मगरमच्छ को पकड़ने के बाद गांव के युवकों ने इसके साथ सेल्फी भी ली। बाद में यहां विभाग की टीम पहुंची और इस मगरमच्छ को नदी में छोड़ दिया गया।